दोस्तों, कुछ ही समय पहले हम बात कर रहे थे वीवो S5 की स्पेसिफिकेशन लीक्स और रूमर्स की, तो आज ये फाइनली चाइना में लॉन्च हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी फ़ोन चाइना में लॉन्च होता है वीवो की तरफ से, वो बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो यह फ़ोन आपको बहुत जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा। हालांकि चाइना में इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। अगर आप भी इसका प्राइस सुनते हैं तो शायद आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। चलिए, प्राइस की बात करेंगे बाद में, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको वीवो के किसी फ़ोन या फिर किसी अदर ब्रांड के फ़ोन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बात करते हैं इसी फोन के बारे में, देखते हैं कि कैसा है ये फोन और क्या प्राइसिंग इस फोन का रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। दोस्तों, बात करते हैं इसके बैक डिजाइन की, तो यहां पर इस बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का डिजाइन हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आप कैमरा सेटअप देख सकते हैं। जी हाँ, कुछ अलग शेप में आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो बैक साइड भी आपको, जो रियर साइड है, ये भी आपको ग्लास बिल्ड के साथ देखने को मिलने वाला है। तो नो डाउट फोन का जो लुक एंड फील है, ये काफी अच्छा होने वाला है, काफी प्रीमियम दिखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन की हाईलाइट फीचर की, तो वो है इसका फ्रंट साइड, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ में देखने को मिलेगा। जी हाँ, हमने पहले सैमसंग के अलावा जो भी फ़ोन देखे हैं, वो आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ में तो देखने को मिलते थे, लेकिन वहाँ पे IPS पैनल यूज़ किया जाता था। लेकिन वीवो के इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। तो यही है इस फ़ोन का एक की हाईलाइट फीचर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है, और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और दोस्तों, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की, मतलब कि परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट, जो कि हम वीवो के कुछ फ़ोन्स में ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि वीवो के Z1 प्रो में हमने देखा था, या फिर हमने देखा था वीवो के Z1X में। तो वही चिपसेट आपको इस फोन में भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेरिएंट की, तो 8 GB रैम के साथ में 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ में ही 256 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर बैटरी की, तो 4100 mAh का बैटरी है, जहाँ पे 22.5 वोल्ट मीन्स वीवो का जो फ्लैश चार्ज है, इसका सपोर्ट दिया गया है। चार्जिंग पोर्ट आपको USB Type-C देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और फेस अनलॉक का फीचर तो खैर सब में आपको देखने को मिलता ही है। तो ये था एक कंप्लीट पैकेज वीवो के S5 का। अब यहां पर हमें जो समझ में आया इस फोन का जो की हाईलाइट फीचर है, एक तो जो डिजाइन है ये बिल्कुल अलग देने की कोशिश की गई है, नो डाउट काफी प्रीमियम डिजाइन हमको देखने को मिलता है। और दूसरा है इस फोन का डिस्प्ले, जो कि हमने इस प्राइस में किसी भी फोन में नहीं देखा है, इनफैक्ट सैमसंग के अलावा किसी भी अदर ब्रांड में नहीं देखा है। तो यही है इस फोन का की हाईलाइट फीचर, क्योंकि बाकी जो सारे फीचर हैं ये तो हम काफ़ी सारे फोन्स में ऑलरेडी देखते हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, तो चाइना में इसका प्राइस रखा गया है 2698 चाइनीज़ युआन। जी हाँ, 2698 चाइनीज़ युआन का ये स्टार्टिंग फ़ोन है, जहाँ पर आपको मिलेगा 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। इसका मतलब इंडिया में अगर ये फ़ोन लॉन्च होता है तो करीब 27 से 28 हज़ार रुपये की प्राइस में लॉन्च होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि 28 हज़ार रुपये की प्राइस में अभी आपको बहुत ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि एकदम से फ्लैगशिप लेवल के फोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो उसी चीज़ के पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं कि एक सुपर एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। तो बस यही एक की हाईलाइट फीचर हमको समझ में आता है इस फोन का, इसीलिए इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन अगर इंडिया में आता है इस प्राइस के साथ में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट होगा या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगा, क्योंकि इस प्राइस में तो हमें बहुत अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, आप बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस फ़ोन के बारे में, क्या आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं, क्या आप चाहते हैं कि यह फ़ोन आपको इंडिया में जल्द देखने को मिले, क्या आप इसे खरीदेंगे अगर ये इंडिया में जल्द लॉन्च होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बता सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।